हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार हमने जीरो डायमेंशन से सिक्स डायमेंशंस तक समझे थे। अब हम स्टार्ट करेंगे सेवन डायमेंशन से। अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग थ्योरी, सेवेंथ डायमेंशन इन्फिनिट यूनिवर्स, चाहे वो हाइट में हो, चौड़ाई में हो, लंबाई में हो या हाइट में, यूनिवर्स जो है असीम है। टाइम अनंत है, समय भी अनंत है, टाइम भी अनंत है और फ्यूचर भविष्य के टाइम भी अनंत है। एवरीथिंग इन्फिनिट, हम इन्फिनिटी के सिंबल जानते हैं जिसका कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते, असीम है। मैंने जीरो डायमेंशन में कहा था कि जब पूरी यूनिवर्स को एक पॉइंट या एक बिंदु में हम इमेजिन करते हैं, तो अगर एक बिंदु है, एक पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर कोई जीव होते हैं तो ये जीव ना हिल सकते हैं, ना आगे पीछे जा सकते हैं, ना कुछ भी, वो इस बिंदु में ही रहेंगे, स्टक रहेंगे, है ना, क्योंकि ये हमने जीरो डायमेंशन में सीखा था। अब जैसे हम पूरे अब तक के जो भी हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं, सारे डायमेंशंस को एक जीरो डी में इमेजिन करते हैं। एक ब्रह्मांड है, ठीक है, ये एक यूनिवर्स है, एक यूनिवर्स है जो ज़ीरो है, और उसके पास पैरेलली और एक यूनिवर्स है, दो यूनिवर्स आसपास है, दोनों को ही हम जीरो डी में लेके आते हैं, ज़ीरो समझते, एक बिंदु, एक पॉइंट। ऑल डायमेंशंस को यहाँ पे एक पॉइंट के रूप में हम जान रहे हैं। अब इस यूनिवर्स पे ये जैसे हमने फर्स्ट डी में सीखा था सीधा आने का, फर्स्ट डायमेंशन में हमने क्या सीखा था, यहाँ पे अगर कोई पर्सन हो तो वो ना लेफ्ट जाएंगे ना राइट जाएंगे, वो सिर्फ स्ट्रेट आएंगे। तो इस यूनिवर्स से इस यूनिवर्स तक पहुँचने का जो रास्ता है वो है 7D। इस रास्ते को हम 7D कह सकते हैं, सातवां आयाम एज पर एज स्ट्रिंग थ्योरी। एट्थ डायमेंशन, इस डायमेंशन को हम समझते हैं। अभी जैसे 7D में हमने क्या देखा कि हमने ज़ीरो सोचा और ये यूनिवर्स तक जो लाइन आते हैं, पहुंचने का जो रास्ता है एक यूनिवर्स से पैरेलली दूसरे यूनिवर्स में, वो हो जाता है 7D। सेकेंड डायमेंशन में हमने क्या सीखा था, जैसे फर्स्ट डायमेंशन में हमने सीखा एक पर्सन सीधा आएंगे, सेकेंड में हमने क्या देखा था, सेकेंड में देखा था आप आगे पीछे के साथ साथ लेफ्ट और राइट भी जा सकते हो, तो ये हमने सेकेंड डायमेंशन में सीखा था। लेकिन यहाँ पे जो सेवन डायमेंशन में हमारे ये जो रास्ता गया एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स को जोड़ने का, तो ये आगे पीछे जा सकते और लेफ्ट राइट भी जा सकते हैं। तो अगर वो यूनिवर्स लेफ्ट या राइट से आके तीसरे यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं तो इस कनेक्शन को हम 8D कह सकते हैं। ओके, ये यूनिवर्स से ये यूनिवर्स तक जाने में 7 डायमेंशन बोलते हैं, अगर दोनों को कनेक्शन बनाया। अब ये लेफ्ट और राइट भी जा सकते हैं, तो अगर लेफ्ट जाके या राइट जाके किसी और यूनिवर्स से ये कनेक्शन बनाते हैं, जाने का रास्ता बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड 8D 8 डायमेंशन। 9 डायमेंशन को कैसे समझते हैं, जैसे हमने 3D देखा, 3D डायमेंशन में देखा था ना, 3D में क्या देखा था, 3D वर्ल्ड जो हमारे वर्ल्ड है, थर्ड डायमेंशन। अब यहाँ पे सेम इन्फिनिट यूनिवर्स, ये सारे इन्फिनिट यूनिवर्स हैं। अब 3D में हमने क्या सीखा था कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो सारे यूनिवर्स हैं, इन यूनिवर्स को जिस जिस लाइन से
जैसे 3D में हमारे 3D वर्ल्ड है, अकॉर्डिंग टू दैट इस स्ट्रक्चर से, जो जो रास्ते से एक दूसरे यूनिवर्स से हम कनेक्शन बनाते हैं, एक दूसरे यूनिवर्स से हम जाके मिल सकते हैं, इसे कहते हैं 9D। ठीक है, ये जो रास्ते हैं एक दूसरे से जोड़ते हैं, इसे हम कह सकते हैं 9D, 9th डायमेंशन। अब आते हैं 10D, यानी 10th डायमेंशन। 10th डायमेंशन, जैसे हमने 3D में देखा, 3D में क्या देखा था, 3rd डायमेंशन प्लस समय, 4th डायमेंशन। तो 4th डायमेंशन क्या था, 4th डायमेंशन क्या था, 4D टाइम, समय, जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को समझाते हैं। मतलब हम यस्टरडे, टुडे और फ्यूचर, ये है हमारे टाइम, यानी हम जानते हैं ये 4th डायमेंशन है। ठीक है, तो हम 3D प्लस टाइम के साथ हैं, तो हम 4D में हैं। 10D में क्या होता है, ये सारे जो डायमेंशंस हैं, ये सारे डायमेंशंस 7D, 8D, 9D के जो सारे डायमेंशंस हैं और आगे के भी सारे डायमेंशंस हैं, स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, आगे पीछे, है ना, कहीं पे भी जा सकते हैं, एवरीवेयर कैन गो पलक झपकते ही, तो वो हो जाएंगे 10D विद इन अ सेकेंड। लाइट से भी कम स्पीड में पलक झपकते ही अगर आप किसी डायमेंशन से किसी डायमेंशन में पहुंच जाओ, तो वो हो जाएंगे क्या, 10 डायमेंशन। यही चीज़ हमने क्वांटम फिजिक्स में भी पढ़ा था, क्वांटम एंटेंगलमेंट में भी हमने यही देखा था कि अगर एक पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ से ये गायब हो जाता है, तो ये कहीं विद इन अ सेकेंड दूसरे जगह पे विजिबल हो सकता है। जैसे हमारे होते थे ना, भगवान जी आते थे और एक ही सेकेंड में वो कहीं और चले जाते थे, है ना, तो एक ही सेकेंड में यहाँ पे है और अभी यहाँ से गायब हुए तो कहीं और ब्रह्मांड में किसी और जगह पे प्रकट हुए। तो एक यहाँ पे, अगर यहाँ पे आए, यहाँ से गायब हुए, पलक झपकते ही किसी और डायमेंशन में पहुँच गए। तो ये जो रास्ता है पलक झपकते, लेफ्ट से हो, राइट से हो, किधर से भी जाए, पर यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, तो ये हो गया 10D। अब ये डायमेंशन कंट्रोलर ऑफ ऑल डायमेंशंस, दिस इज द 10th आयाम। 7वां आयाम से 10वां आयाम तक के बारे में अब हम सनातन शास्त्र के अनुसार जानेंगे, क्योंकि 6वां आयाम में हमने देखा था महाविष्णु और गॉड पार्टिकल, उसके बारे में हमने ऑलरेडी 6वां आयाम तक डिस्कस किए थे। अब 7वां आयाम सनातन शास्त्र के अनुसार 7D, सातवां आयाम हमने जैसे 6th आयाम में देखा था महाविष्णु, महाविष्णु के 3 अवतार, जो महाविष्णु के छवि हम देखते हैं ना, शेषनाग जी के सैया में आराम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनके पैरों के पास बैठी हुई हैं और एक सागर के अंदर है, एक समुंदर के अंदर है, तो वही है कर्णोदक सागर, कर्णदका ओशन। ये जो 6th आयाम है ये ओशन से, ये जो 7D है, ठीक है, 7D ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड से अब जुड़ रहे हैं, ये ब्रह्मांड से, ये ब्रह्मांड को जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ब्रह्मज्योति, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत से ये जोड़ते हैं। ठीक है, ब्रह्मज्योति, भौतिक जगत यानी जैसे हमारे 3D हो गए, भूवरलोक हो गए, स्वर्गलोक हो गए, इवन पाताललोक के भी जीव बसते हैं, वो सारे लोगों को हायर डायमेंशन यानी जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत से जोड़ते हैं, ये दोनों डायमेंशन, वो है ब्रह्मज्योति। जो ईश्वर को निराकार मानते हैं वो इसी जगह पर ध्यान लगाते हैं, लेकिन ये ईश्वर नहीं, ईश्वर से निकले ज्योति हैं। तो जो भी ईश्वर को निराकार मानते हैं वो ये 7D ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्योति को ही भगवान समझते हैं, पर भगवान
के स्वरूप एक्चुअली ये नहीं है, वो हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम एक जीरो बिंदु बताए थे, वैसे ही वन तत्व यानी सोल यानी आत्मा। तो आत्मा परमात्मा पे मिल जाते हैं जो हम समझते हैं उस बात को। तो वही बिंदु, ये जो एक, जैसे मैंने कहा था ना, जीरो डायमेंशन में कुछ नहीं है, तो हमारे सोल को भी इसी आकार में दिखाया जाता है। हमारे आत्मा एक पुंज है, तो ये जो पुंज हमारे आत्मा का है और ये जो ज्योति पुंज है जो परमात्मा का है, तो ये ज्योति पुंज परमात्मा से निकले हुए एक बहुत ही दिव्य लाइट है, दिव्य ज्योति है। इसे बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। ये लाइट अल्टीमेट भगवान जी नहीं है, भगवान से निकले हुए लाइट है। भगवान जी तो अभी मिलेंगे, दूर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आठवें आयाम। आठवें आयाम में क्या कहा गया है,